न्यूज में हमें मतलब बासी जॉयफुल जर्नी टूर से आज टूर लेके पहुंच चुका हूँ यहाँ पे नारान में। वैसे 7 डेज टूर लेट कर रहा हूँ नारान और कश्मीर का, पहले टूर को लेके मैं यहाँ पे नारान में पहुंचा हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ नारान के हवाले से कि इस टाइम बाजार वगैरह की क्या सिचुएशन है, होटल्स वगैरह की क्या सिचुएशन है, होटल के रेट्स वगैरह की क्या पोजीशन है, और साथ में रोड्स के हवाले से इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे कि इस टाइम पे रोड्स वगैरह की क्या सूरत हाल है, और बाबूसर टॉप वाली साइड पे ट्रैवल करते हैं तो कौन सी जगह तक आप पहुंच सकते हैं, तो वीडियो में आपने एंड तक मेरे साथ रहना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आप कभी भी हमारे साथ टूर करना चाहें तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और नंबर आउट ऑफ कवरेज होने की सूरत में आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका आजकल नारान का गान वाले साइट की टूर का प्लान है तो आपने वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहना है, क्योंकि इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ नारान के मौसम के हवाले से, यहाँ की मार्केट, होटल्स, रोड्स और हर किस्म की इंशाल्लाह कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, लिहाजा आपने वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहना है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की ताज़ा तरीन नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहें। नारान की सूरत हाल आपके देख सक रहे हैं कि इस टाइम पे नारान में रश बिल्कुल भी नहीं है, दिन का टाइम है और आप देख लें कि नारान इस टाइम पर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। काफ़ी हद तक दुकानें यहाँ पर क्लोज हो चुकी हैं, जबकि नारान में आलमोस्ट 70-80% होटल्स भी क्लोज हो चुके हैं। 3-4 दिन पहले तक हमारे जो टूर्स नारान में आए थे उनसे पता चला कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन इस टाइम पे नारान में थोड़ा सा मौसम वापस नॉर्मल हुआ है, जबकि अभी नारान में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन 2-3 दिनों बाद बर्फ़बारी की प्रेडिक्शन है नारान में, जो कि मोर देन 60% है। अगर ये बर्फ़बारी हो जाती है तो उसके बाद नारान में बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ भी जाएगी, लेकिन नारान के मौसम को देख के ऐसा लगता है कि मज़ीद 10 से 15 दिन तक नारान की रोड्स वगैरह खुली रहेंगी, क्योंकि नारान में इस टाइम तक मौसम साफ़ है और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि हम नारान बाज़ार से थोड़ा आगे निकले हैं और अभी हम बाबूसर टॉप वाली साइड पे हम मूव हुए हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि बाबूसर टॉप तक का रोड खुल गया है, लिहाजा अभी हम चल के आगे देखते हैं कि किस जगह तक जाने दिया जा रहा है। तो आज आपको कंफर्म ये भी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा कि किस जगह तक आप आ सकते हैं और कहां से आगे रोड बंद कर दिया गया है। नारान में होटल्स वगैरह के रेट्स भी इस टाइम पे काफ़ी डाउन हो चुके हैं, क्योंकि सीज़न में रेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं नारान में, लेकिन इस टाइम पे रश कम होने की वजह से नारान में होटल्स के रेट्स भी कम हैं। अभी जिस जगह से हम गुजर रहे थे ये था, यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, यहीं पर रिवर राफ्टिंग वगैरह भी की जाती है और जिप लाइन्स वगैरह भी यहाँ पर लगाई गई हैं। वैसे सीज़न में यहाँ पे एक जमे गफ़ीर होता है, बहुत ज़्यादा आवाम का रश होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं जैसे ही आप नारान से आउट होते हैं, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर लोग हैं और यहाँ पे तकरीबन एक्टिविटीज़ वगैरह भी बंद कर दी गई हैं। रिवर राफ्टिंग वगैरह तो हो रही है, लेकिन ज़िप लाइन वगैरह और इस तरह की एक्टिविटीज़ नारान के इलाके में बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। सैफ़ुल मलूक वगैरह अगर आप जाना चाहें तो सैफ़ुल मलूक का रोड भी अभी खुला हुआ है। सैफ़ुल मलूक के पास लेक के पास बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, पहले जो बर्फ़ थी वो बर्फ़ पिघल चुकी है, लेक के पास आपको बर्फ़ नहीं मिलती, लेकिन जो सराउंडिंग में पहाड़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। जब नारान स्टार्ट में ओपन होता है तो ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं, उस टाइम पे रोड में जो बहते हुए झरने हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि पीछे बर्फ़ भी जमना शुरू हो चुकी है, इस वजह से आजकल इन झरनों में भी पानी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जितनी भी आबशारें आपको वैसे नॉर्मली मिलती हैं नारान से लेकर बाबूसर टॉप के रास्ते में जब आप सीज़न में आते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी होते हैं, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी कम है पानी। और फिर आप ये पहाड़ों को देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ इस टाइम आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पहाड़ बिल्कुल इस तरह से लग रहे होते हैं सीज़न में कि जैसे एक ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है इनके ऊपर, बिल्कुल ग्रीनिश होते हैं ये पहाड़, लेकिन इस टाइम पे टेम्परेचर लो होने की वजह से, चूँकि अभी हाल ही में बर्फ़बारी भी हुई है जो कि पिघल भी गई है, लेकिन जो ऊँचे पहाड़ हैं उनमें अभी भी आपको बर्फ़बारी नज़र आ रही है, लेकिन जिन पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं भी है इनके व्यूज़ भी टोटल ही ड्राई हैं।
व्यूज़ टोटली चेंज हो चुके हैं, ग्रीनरी से बिल्कुल ट्राइनस वाली साइड पे जा चुके हैं, और जिस जगह से अभी गाड़ी गुजर रही है यहीं से रोड निकलता है लालाजार का। लालाजार के लिए आपको जीप लेनी होती है यहाँ बटाकुंडी के पास से ही, और आप यहाँ से ऊपर लालाजार जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आजकल नारान आते भी हैं तो आपको मैं एक मशवरा दूंगा कि आपने लालाजार का प्लान नहीं करना, क्योंकि लालाजार की जो मेन खूबसूरती है, लालाजार की ग्रीनरी है, इस टाइम पे लालाजार पे ग्रीनरी ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा अगर आप आजकल लालाजार का ट्रैवल करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई ख़ास इन्जॉयमेंट नहीं मिलने वाली। अभी हम पहुंच चुके हैं बटाकुंडी, और बटाकुंडी में ऑलमोस्ट होटल्स वगैरह तो क्लोज हो चुके हैं, और व्यूज़ भी आप देख लेंगे कितने ड्राई हैं, जबकि जो सराउंडिंग के पहाड़ हैं इनमें इन्होंने बर्फ़ की चादर ओढ़ना शुरू कर दी है। जी तो अभी इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे बटाकुंडी में, और बटाकुंडी की सूरत हाल कुछ यूँ है कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तकरीबन सारे ही होटल्स रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बंद हो चुके हैं, बहुत कम लोग हैं, टूरिस्ट भी इस जगह पे बहुत कम है। सराउंडिंग में पहाड़ों पे देखें काफ़ी बर्फ़ वगैरह पड़ चुकी है, और साथ में ही नीचे रोड पे इस टाइम पे यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी बर्फ़ वगैरह नहीं है। और साथ में ही आपको पीछे ये वाला जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये लालाजार है, और लालाजार के पहाड़ पे भी अभी उस तरह की खास बर्फ़ नहीं पड़ी, पर सराउंडिंग के जो हाइट्स वाले पहाड़ हैं, हाइट वाली साइड पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ चुकी है। सराउंडिंग के जो ऊपर वाले पहाड़ हैं इन्होंने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। बहरहाल रोड पे अभी आपको यहाँ पे बर्फ़ नहीं मिलती, नारान वगैरह में भी बर्फ़ नहीं है। सैफल मलूक वगैरह की सूरत हाल भी आपको बताई कि सैफल मलूक वगैरह पे भी आपको अभी लेक के पास बर्फ़ नहीं मिलती, पर ऊपर के जो सराउंडिंग के पहाड़ हैं, सराउंडिंग के पहाड़ों में आपको बर्फ़ वगैरह मिल जाती है। मौसम यहाँ पे बटाकुंडी का इस टाइम पे धूप है, लेकिन यह है कि बियरेबल है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, कोई एक्सट्रीम नहीं है। लेकिन यह है कि आगे नेक्स्ट इसके बाद जो स्नोफॉल होगी तो उसके बाद यह है कि यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा या फिर यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर। साइड पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस टाइम आप सिर्फ बड़वई वगैरह वाली साइड तक ही जा सकते हैं, आप बटाकुंडी या बड़वई तक पहुंच सकते हैं। बड़वई में आगे चेक पोस्ट है, उससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा, लिहाजा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप बबूसर टॉप पे इस टाइम पे हर किस मत सोच के आइएगा, क्योंकि आप आगे बबूसर टॉप वगैरह वाली साइड पर नहीं जा सकते। बटाकुंडी से ही मैंने अपने टूर को वापस मोड़ लिया था, लेकिन जैसे ही हम वापस मुड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि बटाकुंडी की चेक पोस्ट में ही जो पीछे हमारे गाड़ियां आ रही थी उनको रोक लिया गया है, और इन गाड़ियों को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा, लिहाजा अब आप बटाकुंडी से आगे नहीं जा सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे।